इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस फेडरेशन में कौमों के हकूक को तस्लीम करना चाहिए। दो डॉक्यूमेंट्स का अभी मैंने जिक्र किया, एक 1940 की करारदाद और दूसरा मैंने खान अहमदार खान और मामदिल जिना में जो एग्रीमेंट हुई थी, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ये दो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरी नज़र में कोई ठाम बैठ नहीं हुआ, न वो मुस्लिम लीग का अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन, न ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, दोनों टाइप बैठ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आज भी दोनों दस्तावेज हैं। चलिए ठीक है, अगर ये टाइम बैठ हुआ, आप एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर अगर आप देना चाहते हैं, मेरी नज़र में ये है कि फेडरेशन के पास तीन फंक्शन हो, मॉनेटरी सिस्टम यानी करेंसी, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। और एक और अहम बात कि द मेजॉरिटी विल रूल। मेजॉरिटी का मतलब नहीं है कि यानी कौमी असेंबली में जिस कौमी वादत से ज्यादा एम एन ए मुंतखब होंगे वो रूल कर, नहीं, द मेजॉरिटी यानी फेडरेटिंग यूनिट ऑफ बलूचिस्तान का जो मेजॉरिटी होगा, इट विल बी इक्वल टू द मेजॉरिटी ऑफ पंजाब एंड पश्तूनख्वा एंड सिंध। मेजॉरिटी विल रूल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक इंतखाब हो, जिस तरह अब सेंट के इलेक्शन करवाते। तो मेरे नज़र में अगर मैं पी एच डी पी और कोरोना का रोना ये पढ़ू, इसमें आज मैं कितने दिन मैं सोच रहा था कि अगर मुझे मौका मिले हम कोई इस अहवान में साथी बात करें। हालत हमारी ये है कि परवेज मुशरफ ने काजी अदालतों को ख़त्म किया, परवेज मुशरफ ने लेवीज फोर्स को ख़त्म किया, परवेज मुशरफ ने कोई दानियाल अजीज, पता नहीं कोई कहाँ से आया था, दानियाल अजीज नाम का एक बंदा था, उन्होंने डीसीओ और पीपीओ और पता नहीं क्या कह के, मैंने परवेज मुशरफ के सारे बाकियात को मैंने ख़त्म करके रख दिया। परवेज मुशरफ क्योंकि एक गासिब हुक्मरान था, वो कोयटा आया, मैंने मना किया, मैंने नासिर महमूद कोसो को मैंने कहा कि इसको मना करो, कोयटा नहीं आए, वो फिर भी बजिद था कि मैं कोयटा आऊँगा। जब वो आया मैंने उसको रिसीव नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो मेरे कैबिनेट मेंबर्स थे वो पांच के, उसको उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने लंच भी किया। यानी मैं हैरान हुआ कि पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत की बात करती है और एक डिक्टेटर के साथ उन्होंने लंच भी किया और उसको रिसीव भी किया एयरपोर्ट पर। तो सारे ऐसे मामलात हैं कि छोटे छोटे मजबूरियाँ आपके सियासी अमल में एक मस्बत तब्दीली भी ला सकते हैं और मनफी तब्दीली भी ला सकते हैं। नवाब साहब, बजट पे आ जाए। ये सब बजट का हिस्सा है जनाब। और मतलब आप यानी जब आपका निज़ाम ठीक नहीं है तो इस किस्म के एक नहीं, पता नहीं ये 73 सालों में कितने बजट आए हैं, या लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद फिर आपने उठा के सबको फंड। अच्छा, आज इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? इस्लामाबाद में भी तो यही रोना है कि सिस्टम को ठीक करो। और मेरी नज़र में जब तक पाकिस्तान में कौमी वादतों को ज़्यादा इख्तियार नहीं मिलते, ये मामला इसी तरह ही चलते रहेंगे। हमने जनाब हमारे बहुत से दोस्त ऐवान के उस तरफ बैठे हुए हैं, हम सब एक हुकूमत के साथ हैं जनाब। हमने अपने ग्वादर को, मेरा एक नज़रिया था कि ग्वादर को मैं विंटर कैपिटल डिक्लेयर करूं, यानी कोयटा बलूचिस्तान के कैपिटल है और सिस्टर कैपिटल ग्वादर हो, ताकि मुझे खदशात थे कि ये एक दिन ग्वादर को कब्जा करेंगे। और यही हुआ, मेरे बाद जो हुकूमतें बनी उन्होंने एक दिन गवारा नहीं किया कि उस तरफ वो जो दफ्तर मैंने सिंगा राउज की में चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी बनाया था, एक दिन वो उसमें जाकर नहीं बैठे। और आज ग्वादर हम सबसे फिसल कर जा रहे हैं, किसी और के हाथ भी जा रहे हैं। हमने पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी
हमने हमारे हमारे साथियों से एहसास शाह को याद होगा, दूसरे साथी हमने पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी से हम लड़ झगड़ के हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने खत्म करवाया। ग्वादर पोर्ट के मास्टर प्लान में नेवी ने भी नेवी ने जमीन कब्जा किया था, एनएलसी ने जमीन कब्जा किया था, ये जो दूसरा अकील डैडी है उसने जमीन कब्जा किया था, वो जमीन हमने छुड़वाई। हमने कहा कि हम आपको और जगह और हम पाकिस्तान में हमने हमने उनको जमीन दिया। जनाब अगर हम बैठे एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के बात को समझने की कोशिश करें और हम माहौल को भी समझें। आज मैं समझता हूं कि ये मुल्क इस मुल्क में खाना जंगी हो रही है। अब बलूचिस्तान में देखें हर दिन आए दिन हम देखते हैं एक दो वारदात तीन वारदात डेली होते हैं। हम इस तरफ पश्तून भाइयों के इलाके में हम देखते हैं वहां भी ये हो रहा है। सिंध में देखते हैं अभी कोई तीन दिन पहले कोई मस्तशुदा तीन चार लाशें मिली हैं। सिंध में भी रेंजर्स पे हमला हो रहा है, तो ये क्या ये खाना जंगी नहीं है और क्या है जना? और सब जानते हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो यहां बैठे हैं, जो सब जानते हैं कि इन सब मसाइल का हल बातचीत के बगैर नहीं होगा, नहीं हो सकता। और बातचीत भी ये है कि नहीं, किसी की बालादस्ती वाली बातचीत नहीं होगी, नहीं बराबरी की बुनियाद पर आप बैठे आप बात सुने, इस मुल्क को आपने ठीक करना है, आप इस मुल्क को ठीक करें। यानी ना आप 1940 के करारदाद को आप मानते हैं, ना खान अहमद यार खान मरूम का जो मोहम्मद जिन्ना के साथ जो स्टैंडशिल एग्रीमेंट होता है ना आप उसको मानते हैं, तो हटा दें ये तस्वीरें मस्वीरें मोहम्मद जिन्ना बेचारे को, क्यों इतना आपने उसकी तस्वीरें रखी? और अगर मोहम्मद जिन्ना आपको इतना प्यारा है तो मोहम्मद जिन्ना के दस्तखतों पे अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान को एक नया उमरानी माहदे की ज़रूरत है। और जनाब स्पीकर ये जो मैं कहता हूँ ये कि तीन फंक्शंस फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, ये आज मैं अकेला ये बात करता हूँ। मेरे ख्याल ये बात पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा, मैं अकेला करता हूँ और करता जाऊँगा जब तक मेरे हमारे साथ हैं। मैं आपका शुक्र हूँ क्योंकि हम यानी ये जो मैंने कहा कि फेडरेशन के पास कम अख्तियार और कौमी वादतों के पास ज्यादा अख्तियार, तो जनाब इसमें इस फेडरेशन को ज्यादा मजबूत बनाना, इस फेडरेशन में जो कौमें बसती हैं उनको एक एहसास सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन की, मतलब इस विरासत में हमारा हिस्सा है। और अगर जो रविश चल रही है इस पे मेरे ख्याल में कोई भी खुश नहीं है। मैं जाता हूं काजी अदालत, जनाब मैं जाता हूं काजी अदालत, मैं वहां से एक डिक्री लेकर आता हूं, अंग्रेजी अदालत उसको तोड़ देती है। ये क्या, अल्लाह का कानून सबसे बड़ा है। यहां काजी अदालत से मजलिस शूरा से बहुत से फैसले, आप पूछे अपने वकला से बहुत से फैसले आए हैं, लेकिन यहां सिविल कोर्ट ने उसको अल्लाह के कानून से कोई बड़ा शरिया इज सुप्रीम लॉ। हमने वो जो मुशरफ ने छह काजी अदालतें खत्म की थी जिसने मैंने सब बाल में, और अभी भी मैं चाहता हूं कि शरीयत की अदालतें हों, आवाम को इंसाफ मिले। और अगर कोई बैरून दुनिया में कहता है कि ये कानून कुछ सख्त है, जो भी अल्लाह का कानून है हमें कबूल है। जनाब स्पीकर पानी का मसला, अकबर जान ने पानी का मसला कहा, जनाब अब एक तो बेहतर टाउन प्लानिंग, पानी का बेहतर इस्तेमाल, वाटर रिसाइकलिंग। अब उस वक्त हमने ACS PND बैठे हुए, उस वक्त हमने क्वेटा में दो रिसाइकलिंग प्लांट मेरे ख्याल में हमने बनाए थे, लेकिन वो ऐसे ही वो पड़े हुए, कोई उनको इस्तेमाल नहीं कर। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि अपने हलकों में कुछ नाली। अच्छा एक दिन मैंने व्हाट्सएप पर 50 करोड़ के टफ टाइल लगाए हैं,
मीर जहूर हुसैन आप देखिए 50 करोड़ के टफटाइल लगाए, कहाँ लगाए? मेरा सर गंजा है, इधर तो आपको एक टाइल भी नजर नहीं आएगा। इन सारे मामलात को तो एक फर्द आप या जाम कमाल दीन या जहूर हुसैन नहीं, इन सब मामलात को पाकिस्तान के अवाम, इस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अवाम या के दानिश्वर, अब सब बैठे इस मामलात को हम ठीक करें। अब पीएनपी के साथ जो 6 नुकाती मुआहदा हुआ था, आखिरी दिन तक ये परवेज खटक और ये असद उमर वगैरह ये सरदार अख्तर जान के साथ झूठ बोलते रहे और बेखुश हूँ उन्होंने इत्तेहाद को छोड़ दिया, क्योंकि अगर यानी अपने आप को मुतनाज़ बनाने से बेहतर था कि आपने वो इत्तेहाद आपने छोड़ दिया। बहुत से मामला किसी तरह होते हैं कि आखिर किसी दिन आप डिसिल्यूजन हो के आप कहते हैं कि बस भाई अब तो ये मामला आपसे गुजर गया अब। और मैं अभी भी ये जो बजट है ये इसको मैं कहूंगा बेहतरीन बेकार बजट, यानी एक सिर्फ बेकार बजट होता है, ये बेहतरीन बेकार है। फारसी का एक शेर से मैं कोई तकरीर वाला मैं कब से लगा तो तकरीर वाला आदमी हूँ, लेकिन फारसी का आखिर में एक शेर सुनाऊंगा जनाब स्पीकर, ये बड़ा इसमें अपना फलसफा है, ये लियाकत हजारा तर्जमा करके बताएंगे, खालिक हजारा सॉरी, कि गुर्गे की बबन शीर दहत कोशबिदार, गुर्गे की बबन शीर दहत मेश मनस्त, गुर्गे की बबन शीर दहत मेश मनस्त, मेशे की मन नेश जनद रेश मनस्त। शुक्रिया जनाब स्पीकर।